सब्सक्राइब करें सिटी न्यूज झारखंड। रांची पुलिस को नक्सलियों के खिलाफ कार्रवाई में बड़ी सफलता मिली है। रांची पुलिस ने 21 कांडों में वांछित पीएलएफआई का एरिया कमांडर आलोक यादव उर्फ चंद्रशेखर कुमार यादव को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार पीएलएफआई के एरिया कमांडर आलोक यादव ने एक ईंट भट्टा संचालक से 50,000 रुपये की लेवी की डिमांड की थी। लेवी नहीं देने पर ईंट भट्टा संचालक को जान से मारने की धमकी भी दी थी और ईंट भट्टा को बम से उड़ाने की धमकी दी थी। मामले की जानकारी ईंट भट्टा संचालक संजय गुप्ता ने चान्हो थाना पुलिस को दी थी। मामले की जानकारी मिलने के बाद पुलिस तुरंत एक्टिव हो गई और एक छापेमारी दल का गठन किया। पुलिस ने झारखंड जगुआर की सहायता से पीएलएफआई के एरिया कमांडर को राजधानी रांची के रातू इलाके से गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने नक्सली के पास से पीएलएफआई का पर्चा और बाइक बरामद किया है। नक्सली आलोक यादव के पास से पीएलएफआई संगठन का 6 पर्चा और एक बाइक भी पुलिस ने बरामद की है। पीएलएफआई का एरिया कमांडर आलोक यादव उर्फ चंद्रशेखर की गिरफ्तारी के बाद पुलिस उससे गहनता से पूछताछ कर रही है। पुलिस यह पता लगा रही है कि अब तक और किन किन लोगों से लेवी वसूली गई है, साथ ही किसके इशारे पर लेवी वसूली जा रही है। रांची से सोमू गुप्ता की रिपोर्ट। पीएलएफआई का सुप्रीमो दिनेश गोप की गिरफ्तारी के बाद उनके जितने भी गुर्गे थे, चाहे वो कुटी एरिया में काम कर रहे हों, बालूमाथ हो या हम लोगों के रांची जिला के ग्रामीण क्षेत्रों में, सब लोग एक्टिव हो गए और लेवी कलेक्शन करने के लिए सब लोग अपने अपने संगठन को मजबूत कर रहे हैं, अपने अपने एरिया में प्रभाव डालने के लिए एक्टिव हुए। इसी सिलसिले से एक सूचना मिली थी कि आलोक यादव उर्फ चंद्रशेखर, जो एरिया कमांडर बालूमाथ साइड और फिर हम लोग के खिलाड़ी और बुरमू साइड में ऑपरेट करते हैं, रंगदारी मांग रहे हैं और उनके आने की सूचना है पैसा लेने के लिए। तो हम लोगों ने झारखंड जगुआर की टीम के साथ चान्हो प्रभारी और पदाधिकारी हैं यहाँ, उनको रात में जब नाकाबंदी किया गया तो उनको उनकी गिरफ्तारी हुई है। गिरफ्तारी के बाद से उनके पास ये देख रहे 2 मोबाइल फ़ोन मिला है और उनके पास वो पर्चा लेवी का ये बरामद किया गया, मोटरसाइकिल भी है, एक बाइक भी इनके पास से मिला है। इनके साथ और भी जो सदस्य थे वो भागने में सफल हुआ, चूँकि जंगल का एरिया था। जब इनके आपराधिक इतिहास को हम लोगों ने खंगाला तो देख रहे हैं कि अभी 21 केसेज हम लोग के इनका मिला है आपराधिक इतिहास में, जिसमें से पिपरवार, कुरू, टंडवा, हम लोगों का खिलाड़ी, केराडारी और बुरमू बालूमाथ के एरिया से हत्या का सारे गंभीर केसेज हैं, चाहे वो हत्या का हो, रंगदारी का हो, इलीगल वेपन रखने का हो। कई बार ये जेल जा चुके हैं, अभी हाल में ही जेल से छूटे थे, लेकिन फिर ये अपने लेवी के लिए ये फ़ोन किए और कई लोगों को थ्रेट किए, तब ये पकड़े गए हैं। इनके पास से वो मोटरसाइकिल मिला है, मोबाइल फ़ोन हो गया और पर्चा भी मिला है।